का स्वागत है दोस्तों। कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक 3-4 लेक्चर जा भी चुका है। जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं फटाफट से ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाइए, एनसीईआरटी की बुक, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सब आपको मिल जाएगा। और कैसे आपको एडमिशन लेना है उसी नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी नंबर पर 7080884759 इस पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा होगा तो उसको नोट कर लीजिए, वहां से जाकर के आपको एडमिशन ले लीजिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाए, जिसमें चार एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। जो पांचवा एग्जाम्पल था ग्लूकोज वाला, ये थोड़ा सा खतरनाक एग्जाम्पल था तो इसमें काफी टाइम चला गया था, तो मैं फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी इसमें डाउट रह गया हो, तो मैं एक काम करता हूँ कि उसको दोबारा से लेता हूँ, फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और वहीं से फिर करते हुए हम लोग कुछ अभिक्रियाएं आज की क्लास में करेंगे, कुछ अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। तो हम लोग पांचवें वाले समीकरण से स्टार्ट करते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ। वो था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, एरो लगा करके इधर करना है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक ना। इसके बाद हम लोग समीकरण लिख लिए, तो दूसरा स्टेप में होता है ब्रेकेट लगाना, तो दूसरे स्टेप में हम लोग ब्रेकेट लगा लेंगे। अब ब्रेकेट लगाने के बाद सूची बनाना होता है, तो सूची में सबसे पहले मैंने बोला था आप नीचे से बनाइएगा, तो सबसे नीचे होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है इसमें, हाँ है। उसके ऊपर होता है ऑक्सीजन, है यहाँ पे ऑक्सीजन है। उसके ऊपर होता है अधातु, तो इसके बाद ऑक्सीजन निकाल देंगे आप, हाइड्रोजन निकाल देंगे आप, तो सिर्फ बचेगा कार्बन, यानी कि तीन तत्वों की सूची बन जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबको बराबर करके संख्या लिख लीजिए। इसके बाद अगला स्टेप है बराबर करके संख्या लिखना। कार्बन की संख्या केवल देखिए है इधर एक, तो कार्बन की संख्या कर दीजिए एक। ऑक्सीजन की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी तीन। हाइड्रोजन की संख्या केवल यहाँ पे देखिए दो है, तो यह हो जाएगी हाइड्रोजन की संख्या दो हो जाएगी। उसी तरीके से इधर आते हैं, कार्बन की संख्या देखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक में जो कार्बन है वो सिर्फ यहाँ पे है, तो कार्बन की संख्या फिलहाल है छः, तो कार्बन की संख्या हो जाएगी छः, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन देखेंगे आप तीनों जगह पे है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, छः ठो यहाँ पे है, दो ठो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पे है, ठीक ना। तो कुल मिला के छः, दो, आठ, आठ एक, नौ। देखिए जैसे मैंने बोला था ना, विषम वाला जहाँ पे मामला आएगा वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाएगा। यहाँ देखिए विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, एक को छोड़ करके, एक भी विषम संख्या है लेकिन एक को छोड़ करके देखा जाए तो बाकी जो आएंगे ना, तीन आएगा, सात आएगा, तो उसे सतर्क रहना, नौ आएगा। हाइड्रोजन लाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 2, कुल मिलाकर के 12 2 14 14 हाइड्रोजन की संख्या है। तो इस तरीके से सूची बनाकर के हम लोग संख्या लिख ली है। अब संतुलित करते समय मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ संतुलित करते हुए आएंगे, तो पहला संतुलन, पहला स्टेप एकदम आसान था कि कार्बन की संख्या इधर 6 है और इधर भी कार्बन की संख्या 6 है, तो पहले तो 6 से कर लीजिए गुणा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 6 से अगर आप गुणा करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ पे आगे 6 लगा दीजिए कार्बन वाले के आगे, जिससे गुणा की है तो 6 से गुणा की है तो 6 लगा दीजिए, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे देखिए हो जाएगी 6 कम 6, जबकि ऑक्सीजन की संख्या बदल जाएगी, हो जाएगी 6 गुना 12, तो कुल मिला के यहाँ पे जो संख्या हो गई देखिए 6 गुना, अभी जो 2 था ये हो गया 12 और एक यहाँ पे मिला करके हो गया 12 1 13, ठीक ना, इस तरीके से। अब कार्बन तो संतुलित हो गया, लेकिन जैसे हम लोग ऑक्सीजन पर आएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या अभी भी आप देखेंगे फॉल्ट कर रही है, कितना फॉल्ट कर रही है, तो यहाँ में विषम आ रही है, यहाँ में विषम आ रही है, यहीं पर आपको सतर्क होना है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ विषम आ रही है, विषम वाला ट्रिक आपको फॉलो करना है हमेशा, नहीं तो ही क्या लटक जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो विषम पे ध्यान देना है, देखिए कि कहाँ पे विषम बन रहा है, पहले उसको सम बनाइए। सम कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला था सम बनाने के लिए कर दीजिए 2 से गुणा, 2 से अगर आप गुणा कर देंगे तो सम अपने आप बन जाएगा, ठीक ना, 2 से गुणा करके सम बनाना है। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे
एक होने की वजह से यही पे देखिए यहाँ पे तो 12 है सम है, और यहाँ पे देखिए एक होने की वजह से यहाँ पे डिफर कर रही है, तो इसके आगे फिलहाल के लिए लगा दीजिए, तो फिलहाल के लिए 2 लगा करके इसको पहले सम बना लीजिए, बाद में हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको 2 लगा करके सम बनाते हैं तो अभी देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे कर दीजिए फिलहाल हटा करके 2, तो कुल मिला के देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 12 और 12 = 2 = 14, 13 के बजाय अभी हो गई है 14। हाइड्रोजन की भी संख्या बदल जाएगी, देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगी, ठीक ना, तो 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 की जगह फिलहाल के लिए अभी 4 हो गई, तो जो जो बदलता जाएगा करते जाएंगे। इधर आ जाते हैं, इधर काम विषम मामला हो रहा है, तो यहाँ विषम मामला हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 6 है सम है, ऑक्सीजन 6 है सॉरी 2 है एकदम सही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 आ रही है, और इसी 1 की वजह से यहाँ पे देखिए 9 हो जा रहा है, 10 होता 8 होता 12 होता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे 1 होने की वजह से मामला गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसके आगे फिलहाल के लिए 2 लगा दीजिए, क्योंकि विषम वाला ट्रिक क्या है कि 2 से गुणा कर दीजिए, आगे जैसे आप 2 से गुणा करेंगे अपने मन से करना है, जैसे ही आगे आप 2 से गुणा करेंगे वैसे ही देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर बदल करके हो जाएगी 2 × 2 = 4, तो ये 2 था ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ और देखिए 12 हाइड्रोजन यहाँ, कुल मिलाकर 12 × 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, तो ऑक्सीजन 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 6 तो यहाँ था 2 तो यहाँ था 8, और 8 अब ये देखिए 2 हो गया है 2 × 2 हो गया है, तो ये जाएगा 8 × 2 = 10, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 10। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो विषम वाला मामला था वो सही हो गया, यानी कि अब देखिए सब सम में आ गए हैं, कार्बन तो ऐसे भी संतुलित था कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन भी देखिए सम हो गया सम हो गया सम हो गया सम हो गया, ठीक ना। अब देखिए एक ट्रिक यहाँ पे अगला और इसमें इसी में सारे ट्रिक लगेंगे क्योंकि खतरनाक है। दूसरा ट्रिक मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं लेकर के जाना है, छोटी छोटी जैसे 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, और खास करके जो ग्लूकोज वाला है इसमें 6 हो गया और 12 हो गया, यही संख्याएं इस्तेमाल में आती हैं, इसके अलावा कोई इस्तेमाल में नहीं आता है, तो इसको याद रखिएगा 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 12, इन्हीं संख्याओं को ट्राई करना है गुणा करके, इसके अलावा कक्षा 10 में आपके ना के बराबर चांस भी आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या से गुणा करने के बाद संतुलित हो जाता है मामला। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन पे आए, इधर ऑक्सीजन है 14, इधर ऑक्सीजन है 10, तो इसको अगर 14 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इधर 14 बनाने के लिए आप एक काम करिए, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, 6 × 2 कुल मिला कितना हो जा रहा है 8, 8 वाला मामला है। अब यहाँ पे आपको कुल मिला के बढ़ाना कितना है 4 और बढ़ाना है, 4 और बढ़ाना है, तो यही भी 4 से और गुणा कर दीजिए, देखिए 2 ही अभी हम लोग किए थे ना, तो एक काम करिए कुल मिला करके 8, 8 में प्लस और कितना जोड़ देगी 14 हो जाए, तो 8 और 6 = 14, 8 और 6 = 14, यानी कि यहाँ 2 के बजाय अगर आप 6 से गुणा कर दें, 2 के बजाय अगर आप 6 से गुणा कर दें तो आराम से ऑक्सीजन 14 वाला मामला हो जाएगा। तो आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन को यहाँ पे कर देते हैं 6 से गुणा, जैसे आप 6 से गुणा करेंगे तो ये जो 2 था ये बदल करके ऑक्सीजन हो गया 6 यहाँ पे, यानी कि 8 यहाँ पे था 6 यहाँ पे, कुल मिला करके 8 × 6 कितना हो गया 8 और 6 मिला करके हो गया 14, ये देखिए अब ये कुल मिला करके हो गया मामला 14 हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे इधर जो है वो बदल करके ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 14, इधर पहले से 14 थी तो ऑक्सीजन अपने आप हो जाएगा संतुलित, लेकिन हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बदल गया है, हाइड्रोजन अभी इधर हो गया 6 × 2 = 12, हाइड्रोजन की संख्या देखिए हो गई है 12, और 12 तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 12 मिलाकर के कुल मिला के हाइड्रोजन की संख्या भी हो गई है 12 × 2 = 24, ये देखिए अपने आप बदलते हुए जा रही है, अभी हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं रहे। अब इधर आ जाते हैं, इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर संतुलित करने के लिए जो आपको अभी दिख रहा था 4 दिख रहा है अभी यहाँ पे 2 × 2 = 4, इसको अगर आपको 24 बनाना है तो यहाँ 2 से नहीं गुणा करना होगा, फिर गुणा करना पड़ेगा आपको 12 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 12 × 2 क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ अगर आप 12 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा अपने आप 12 × 2 = 24,
तो जैसे आप 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दुना 24। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या, अब देखिए यहाँ पे हो गया ये 12 दुना 24 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या भी बदल जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 12 एकम 12। तो जो अभी हम लोग ऑक्सीजन संतुलित करके आए थे वो एक बार लास्ट में जा करके फिर से असंतुलित हो जाएगा, और ये देखिए अभी कितना हो गया है। तो कुल मिला के 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, कुल मिला के ऑक्सीजन की संख्या भी हो गई है 12 गुना 24। अब यानी कि ऑक्सीजन फिर से हो गया असंतुलित, जो इतनी मेहनत से अभी हम लोग संतुलित किए हैं वो दोबारा हो गया असंतुलित। थोड़ा बोर मत होइएगा, ये थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी मैं इसको इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, तो ये 24 है, 24 को अब यहाँ पे इधर भी 24 अगर करना है, इधर 24 है इधर 14 है, तो 24 इसको बनाने के लिए देखिए कितना घट रहा है। तो आप देखेंगे 14 उधर आपका है, और तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, इसके बाद हो जाएगा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, कुल मिला के 12 ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है। यानी कि अगर आप इधर 6 लगा दें, यहाँ पे अगर आप 6 लगा देंगे तो 6 गुना 12 यहाँ से हो जाएगा 12 ऑक्सीजन, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 6, कुल मिला के 6 गुना 12 और 12 कुल मिला के हो जाएगा 24। तो यानी कि अगर आप इस वाले ऑक्सीजन के आगे लगा दें 6 तो ये अपने आप बदल करके हो जाएगा कितना 24। तो जो ऑक्सीजन अभी असंतुलित हुआ था वो दोबारा से हो जाएगा संतुलित। ये हो गई इसकी प्रक्रिया कि किस तरीके से आपको संतुलित करते हुए जाना है, ठीक ना। तो इसी तरीके से आपको संतुलित करना होता है। तो ये हो गया कल वाला रिवीजन कि कैसे करना है, जिनको नहीं समझ आया था एक बार दोबारा से मैंने बता दिया है। अब मैं आता हूं अगले वाले पर जो कि नया है, वो है अब यहां से देखिए सब आसान है, यही एक टफ था बीच में, इसके बाद वाले लेवल सबके सब संतुलन आसान वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो लगा करके हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, छठवां वाला अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो लगा करके हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या ये रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है? नहीं। तो संतुलित करने का पहला ही नियम है कि अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरणों में लिखी होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? तो हाइड्रोजन को सर आपने बताया है, क्या बताया है, H2 के रूप में लिखते हैं, प्लस लगा दीजिए। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? तो क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखते हैं, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 के रूप में। एरो लगा दीजिए, एरो लगाने के बाद लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। पीछे वाला पन्ना खोलिए जहां मैंने बोला था सूत्र लिखने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिख लीजिए होता है HCl होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखा गया, हाँ लिखा गया, एक स्टेप कंप्लीट, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट, तो सबके आगे लगा लीजिए कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद बनाना होता है सूची, तो बना लीजिए सूची। सूची कैसे बनाएंगे? सबसे नीचे होता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर होता है ऑक्सीजन। तो क्या यहां से यहां तक में या यहां से यहां तक में कोई ऑक्सीजन दिखाई दे रही है? नहीं, कोई ऑक्सीजन परमाणु में है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर कौन होता है? आधातु होती है। तो आधातु की अगर बात करें तो आधातु में अगर आप हाइड्रोजन छोड़ देंगे तो कौन बच रहा है? सिर्फ क्लोरीन बच रहा है, और क्लोरीन होती है आधातु। जाके देखिए मैंने बताया था कि आधातु कौन कौन सी है, तो क्लोरीन भी है। तो कुल मिलाकर के आपको लिस्ट जो बनाना है, पहले Cl लिखना है, बाद में हाइड्रोजन लिखना है, बराबर लगा करके संख्या लिख दीजिए। क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है? 2 है। इधर आ जाइए, क्लोरीन की संख्या कितनी है? इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है? H कितना है? 1 है, ठीक ना। अब देखिए दोनों ही असंतुलित हैं। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ संतुलित करते जाएंगे, तो सबसे पहले करना है क्लोरीन को संतुलित। क्लोरीन को अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, कम किधर है? तो इधर कम है। जिधर कम रहता है उधर ही हम लोग क्या करते हैं? गुणा। संतुलित करने के लिए किया जाता है गुणा। तो कितने से यहां पर गुणा कर दें कि 2 हो जाए? तो 2 एकम 2, यानी कि आपको करना पड़ा 2 से गुणा। अब जैसे आप 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन वाले ब्रैकेट के सामने लगा दीजिए 2। जैसे आप क्लोरीन वाले ब्रैकेट के सामने 2 लगाएंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2 एकम 2,
यानी कि हाइड्रोजन अपने आप बदल करके कितना हो गया, दो हो गया, और क्लोरीन भी दो एक कम हो गया दो, यानी कि क्लोरीन तो देखिए यहाँ पे सल्फेट था ही, मात्र यहाँ पे दो लगाने से एकदम आसान था रिएक्शन, कुछ भी इसमें नहीं था, तो ये वाला हो जाएगा दोनों संतुलित। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कैसे संतुलित किया गया।